धमाकेदार चीज दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ जो जमीन, धमाकेदार चीज दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ जो जमीन आपकी दो स्टेट्स को, मैं एक स्टेट में रहते हुए दूसरे स्टेट के मजे दिलाएगी। दोस्तों सबने सुना होगा आपने जेवर एयरपोर्ट, परंतु हम लोग नहीं लेना चाहते जेवर एयरपोर्ट के पास में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यार्डा के द्वारा लैंड एक्वायरमेंट होता है और लैंड का जाने का खतरा बना रहता है, तो उसी के चलते हमारे कुछ भाइयों का ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग अगर जेवर में लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम बनी रहती है। कुछ बिल्डर्स अच्छे रिनोम्ड बिल्डर्स हैं जो अच्छी जमीन भी दे रहे हैं, साफ सुथरी जमीन भी दे रहे हैं, पर उसके बावजूद भी एक शक और माइंड में दिक्कतें रहती थी कि जो जेवर एयरपोर्ट के पास में लेना सभी चाहते हैं, परंतु हम लोग डरते हैं कि भाई हमारी ज़मीन चली ना जाए या कुछ और ना हो जाए। तो इसी को देखते हुए दोस्तों मैं जेवर एयरपोर्ट के पास तो ज़मीन लेके आया हूँ, पर तो हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन लेके आया हूँ। दोस्तों हरियाणा, दोस्तों ये ज़मीन जो है रहने वाली है हरियाणा गवर्नमेंट के अंडरटेक है और हरियाणा में रहेगी, परंतु ये ज़मीन आपकी मात्र आपके एयरपोर्ट से 5 मिनट के ड्राइव पे है। दोस्तों 5 मिनट में आप अपने एयरपोर्ट से पहुंच जाएंगे आप अपनी जगह पर। तो दोस्तों एयरपोर्ट से अगर कोई 5 मिनट में पहुंचता है तो उसके लिए बहुत से सेक्टर्स, हम लोग अभी परीचौक पे हैं दोस्तों, परीचौक से हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी होते हुए एक्सप्रेस वे को लेते हुए हम लोग वहीं चलेंगे। हम लोग नोएडा सेक्टर 18 से निकलेंगे और नोएडा सेक्टर 18 से होते हुए हम लोग अपनी साइट पे जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपकी जो साइट रहने वाली है जेवर एयरपोर्ट के पास में रहने वाली है और आपके जो रास्ते हैं वो जेवर एयरपोर्ट वाले ही रास्ते हैं, परंतु उसमें एक बेनिफिट है कि आपकी जो ज़मीन है वो हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है। और उसमें अगर मैं आपको बात करूं कि आपको सभी तरह के जो यूपी गवर्नमेंट जो फैसिलिटी ला रही है, जैसे अगर मैं बात करूं यार्डा की, यार्डा फिल्म सिटी लेके आ रहा है, एयरपोर्ट लेके आ रहा है, आपको पता ही है कि जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, यहाँ पर ऑलरेडी काम चालू हो गया है और डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, कॉमर्शियल सेंटर्स बन रहे हैं दोस्तों, लॉजिस्टिक हब्स बन रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी के बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज आ रही हैं और आपके यहाँ पर एंटरटेनमेंट जोन और अदर कंपनीज, अदर सेक्टर्स की कंपनीज भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही हैं। इस ज़मीन को आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ की ज़मीन आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए जो अभी का टाइम है वो बहुत ही बेटर टाइम है दोस्तों, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको SMR का ग्रीन वुड आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। तो हम लोग दोस्तों पहुँच चुके हैं, हम लोग वहाँ के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हम लोग सेक्टर 18 होते हुए हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे पहुँच चुके हैं। तो क्योंकि हमें ज़्यादा आपका टाइम उधर नहीं लेना था, हमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करना था, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट हम लोग प्रोजेक्ट पे पहुँच गए। ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, यही फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट का रोड है, यहाँ से प्रोजेक्ट में एंट्री हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको प्रोजेक्ट का बताऊँ, इसमें जो आपके प्लॉट रहने वाले हैं, प्लॉट साइजेस रहने वाले हैं, आपको मैं लेआउट दिखा पा रहा हूं दोस्तों। इसमें 200 गज का, 100 गज का प्लॉट इसमें रहने वाले हैं। 100 गज में दोस्तों जो साइज है इसमें 20x45 का साइज रहे, जो आप ले सकते हैं 20x45 में। और जो अगर 200 गज में लेते हैं तो 200 गज में दो साइजेस में अवेलेबल है दोस्तों। ये आपकी मेन रोड है जो बाहर से आपकी सीधी आती है, मेन रोड आपकी अंदर जाएगी, जो ये फार्म हाउस के बाहर वाली आउटर रोड है, आप देख ही सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जो आपकी सोसाइटी बन रही है SMR ग्रीन वुड्स, तो इस सोसाइटी के बाहर का रोड ये हो जाएगा और अंदर का रोड उधर का आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये बाहर का रोड है दोस्तों, बाहर से सीधा आ रहा है, यहीं से सीधा ड्राइव करेंगे तो आपका हार्डली 5 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे बहुत ही ईजिली। तो मैं दोस्तों बता रहा था, साइजेस बता रहा था, इसमें 200 गज के जो साइजेस हैं, दो साइजेस हैं, 30x60 में साइज है और इसमें 40x45 में भी साइज है दोस्तों, 200 गज, तो अलग अलग साइज हैं, दोनों साइज इसमें अवेलेबल हैं। मैं अभी अंदर से आपको बताऊंगा, इसमें 3 रोड बाहर आती हैं, आपकी 3 रोड्स की बाहर की कनेक्टिविटी आप जैसे मैप में देख पा रहे हैं, एक और दो, ये जो रोड्स हैं दोस्तों 25-25 फुट की रोड हैं, सारी 25 फुट रोड है। बाहर सी साइड पे कॉमर्शियल बेल्ट बनाई गई है और अंदर पूरा आपका रेजिडेंशियल बनाया गया है।
इसमें बाहर वाली वाइड रोड, जो बाहर वाली ये रोड है, ये 30 फुट की रोड है, 30 फीट की रोड है। जो अंदर वाली सारी रोड है वो 25-25 फुट की रोड है। तो ये सारी रोड्स यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए दी गई है। और इसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो प्लान है आपका, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रजिस्ट्री, इमीडिएट रजिस्ट्री है आपकी, नोटेशन है, पोजीशन है आपका। और अगर मैं बात करूं आपका मतलब लॉजिस्टिक हब्स, और उनमें हार्डली 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पे आप फिल्म सिटी भी पहुंच सकते हैं, और अदर कंपनीज का जो सेक्टर है उन पे भी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर ये आपकी ज़मीन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है दोस्तों। हरियाणा गवर्नमेंट की होने के कारण आपको यार्डा की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये यूपी की ज़मीन नहीं है। इसमें आपकी इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजेशन है जो आपकी रहने वाली है, और इसमें 3.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसमें मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, जो हमारे साथ आए हुए हैं कंपनी के पर्सन, मैं उनके थ्रू भी आपको कुछ चीज़ें जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि किस किस तरह से इसमें प्रोजेक्ट का और आगे का ब्रीफ है, और वो सब कैसे आगे हम कंपनी में काम कर रहे हैं इम्प्लॉय जो वर्किंग पे कंपनी में काम कर रहे हैं इम्प्लॉय जो वर्किंग पे हैं यहाँ पर काम करवा रहे हैं पूरा, उनसे हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये जो कंपनी का जो काम हो रहा है वो क्या 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 चीजें वो करा रहे हैं। ये वाली होगी, ये 25 फुट की रोड होगी। हाँ हाँ, और ये वाली आपकी सड़कें होगी, ये जो 25 फीट की सड़क है अंदर वाली, जो 25 फीट की सड़क, हाँ। एक ये होगी, एक वो होगी, हो और एक वो होगी अंदर वहां से, एक लास्ट वाली जो पेड़ से आगे होगी जो ऊंचा सा है मिट्टी, हाँ, हाँ। तो वो वाली सड़क होगी, हाँ। आपकी ये सारी बाहर से कट डालोगे सीधे, ये बाहर से डालेंगे, यहाँ जो दिख रही है आपको सीधा कट बाहर आ जाएगा, मेन गेट उस पे हो जाएगा, एक गेट वहाँ जाएगा, एक गेट और एक गेट ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो गया, एक क्लब हाउस बनना है आपका, ये क्लब हाउस बन रहा है, यहाँ पे आपका मंदिर बनेगा, वहाँ पे साइड में जैसे जस्ट गेट से निकलोगे तो वहाँ से राइट साइड में आपका मंदिर टेंपल के लिए आपकी जगह छोड़ दी जाएगी। ये कोर्दन में टेंपल हो गया, हाँ, ये वाला टेंपल हो गया आपका, ठीक है, ये वाला टेंपल हो गया, ये 100-100 गज से स्टार्टिंग है आपकी, 200 गज, ये 100-100 गज, हाँ, ये 100-100 गज के, ये सीवर पड़ रहे हैं, हाँ ये सीवर, ये सीवर पाइप लाइन है, सीवर पाइप लाइन का काम चल रहा है, जाना समझा जो कंपनी के पर्सन है उनसे समझा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फैसिलिटी है। इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया 25-25 फुट की 3 रोड है जो बाहर आ रही हैं, और इसमें थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लान भी है एक्सपेंशन का। तो इसमें अलग अलग रोड्स हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये 25 फुट की रोड है, ये तीनों रोड को कनेक्ट करती है 25 फुट की रोड, इंटरनल रोड भी इसमें 25 फुट की है दोस्तों। और जो छोटी रोड्स हैं और भी अंदर छोटी रोड्स हैं, वो 20 फुट से नीचे कोई भी रोड नहीं है दोस्तों, सारी रोड बड़ी रोड्स हैं। बाहर मेन कनेक्टिविटी भी बड़ी रोड की है। इसमें जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं वो आपके थोड़े बड़े होंगे, इसमें 3 छोटे छोटे पार्क दिए गए हैं दोस्तों। इसका जो मेन गेट है वो ईस्ट फेसिंग मेन गेट है सोसाइटी का, आपका जो सोसाइटी का गेट बनता है वो ईस्ट फेसिंग लगभग बनता है, और आपकी इसमें इसमें कॉमर्शियल बेल्ट, वेदर रेजिडेंशियल बेल्ट, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एयरपोर्ट से मात्र 3.1 किलोमीटर दूर है, फिल्म सिटी से 5 मिनट की दूरी पे है, और अदर जो कंपनीज हैं या फिर और जो कंपनीज आ रही हैं वो उनका बहुत ही नियर बाई है। तो इन सभी को देखते हुए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सोसाइटी होने वाली है, और इसमें अगर आप आज ही इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे रेट्स पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। और मैं अगर बात करूं कि बहुत सारे पर्सन्स हमारे भाई कहते हैं कि रजिस्ट्री और मोटेशन, दोस्तों रजिस्ट्री और मोटेशन बहुत ही जल्दी, आप जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वैसे ही आपकी 50% देते ही दोस्तों आपकी रजिस्ट्री और मोटेशन इसमें हो जाता है। अगर आप सब चीज़ें अगर आप जितने भी जल्दी चाहें उतनी जल्दी आप करा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी रजिस्ट्री मोटेशन उठाई हुई है और कर रही है दोस्तों। इसका जो अगर फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करूँ तो दोस्तों इसके पीछे ही आएगा, क्योंकि मेन रोड है, उसके पीछे का पोर्शन धीरे धीरे फ्यूचर एक्सपेंशन में आएगा। यार्डा का अगर मैं मास्टर प्लान बताऊँ दोस्तों, तो यार्डा का मास्टर प्लान सारा का सारा आपका दिल्ली लैंड पे होता है। और अगर आप कुछ इसकी जमाबंदी जो इसकी सारी
लैंड की सारी चीजें जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहें तो जमाबंदी की हरियाणा की गवर्नमेंट की साइड है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई भी चेक करने में प्रॉब्लम आए तो हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। वेदर आपका कोई वकील जानने वाला सब चीज़ें चेक हो सकती हैं हरियाणा गवर्नमेंट की साइड पे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड है और आपकी यूपी गवर्नमेंट से बिल्कुल लगती हुई लैंड है और ऐसी जगह लगती हुई लैंड है जहाँ पर एयरपोर्ट हार्डली 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर रह जाता है, तो वहाँ की लैंड है। तो आप आइए हमसे मिलिए, अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो सारी जानकारी आपको देंगे। और आपको अगर कोई भी इससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए और चाहिए, ये दोस्तों अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये करीबन 4 एकड़ में प्रोजेक्ट है, अभी एक्सपेंशन की बात है, एक्सपेंशन भी है इसका 4-4 एकड़ करके और कुछ 2 एकड़ करके एक्सपेंशन होगा आगे, तो एक्सपेंशन होता रहेगा, आगे एक्सपेंशन होगा और आपकी इसकी 25 फुट की मेन हेडलाइट वो है। जो भी भाई को कॉन्टेक्ट करना है कर सकता है हमसे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।